नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने आज गढ़चिरौली जिले के शासकीय आदिवासी बाल छात्रावास का दौरा कर निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं और सवालों के बारे में जाना। इस समय जब छात्रों ने भोजन के निर्वाह भत्ते को बढ़ाने की मांग की तो उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को सरकार के सामने लाया जाएगा। जिला अस्पताल द्वारा दिया गया MRI सुविधा का प्रस्ताव पिछले 2 साल से सरकार के पास लंबित है। दानवे ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को MRI कराने के लिए नागपुर या चंद्रपुर जिले जाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और उन्हें बेहतर स्थिति में नौकरी मिले, कौशल विकास विभाग कंपनी की आवश्यकता के अनुसार ITI जैसे संस्थान में पाठ्यक्रम शुरू करें। इसके लिए सरकार के सामने अत्यावश्यक स्टैंड पेश किया जाए। ऐसे निर्देश अंबादास दानवे ने कलेक्टर को दिए। साथ ही अंबादास दानवे ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में गढ़चिरौली जिले में बंद पड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, स्थानीय लोगों को रोजगार, कृषि के लिए किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति, अधोसंरचना और स्वास्थ्य संबंधी असुविधा का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर संजय मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, सभी विभागों के अधिकारी, संपर्क प्रमुख किशोर पोद्दार, अरविंद कटवार, जिला प्रमुख सुरेंद्र सिंह चंदेल, जिला प्रमुख वासुदेव शेडमा के संयुक्त संपर्क प्रमुख विलास कोडन, महिला संगठिका चायताई कुंभारे, पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेव उसांडे मौजूद रहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मुहर के साथ अक्सर अंसारी, BCN न्यूज नागपुर।